नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे हम होटल लोड के बारे में और होटल लोड में HOG की चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि होटल लोड होता क्या है। होटल लोड का मतलब है कि किसी अन्य सोर्स से सप्लाई लेकर कोचों में लाइटें, पंखे, AC इत्यादि को सप्लाई देना, इत्यादि को चलाना। अब इसको होटल लोड का नाम क्यों दिया है? होटल लोड का नाम इसलिए दिया, जैसे हमने घर पे खाना नहीं बनाया तो हम क्या करते हैं, चलो भाई होटल से ले आओ। तो इसमें भी ऐसा ही है, खुद की सप्लाई न लेकर किसी अन्य जगह से सप्लाई लेना, उसको होटल लोड कहा गया है। साथियों, मैंने और भी जो वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाइए और चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जो आपको वीडियो देखना हो वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। होता क्या है कि मैं वीडियो अपलोड कर चुका होता हूँ और लोग बाग फिर भी कमेंट करते हैं वो वाला वीडियो चाहिए, जबकि वो वाला वीडियो तो ऑलरेडी है, तो आप ज़रा देख लीजिएगा। और ऑडियो की जो ऐप है खबरी ऐप, उस पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ऑडियो भेजता हूँ, तो आप उस पर भी फॉलो कीजिए, उसको भी सुनिए, अपना जीवन सफल बनाइए, ज्ञान बढ़ाइए। ऑडियो की जो खबरी ऐप है उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो बात करते हैं होटल लोड के बारे में। तो होटल लोड की तो आपको जानकारी हो ही गई है कि क्या होता है होटल लोड। तो हम अधिकतर लोको की बात कर रहे हैं कि लोको में इसकी सप्लाई किस प्रकार दी जाती है। तो यहाँ मैं एक ये लोको का चित्र बना रहा हूँ, ये रफ डायग्राम है, एक रफ लोको का डायग्राम है। अब कैसे क्या जोड़ना है, कैसे क्या सावधानी रखनी है, वो सब बातें मैं इसमें आज बताऊँगा। होटल लोड के लिए क्या होता है, लोको में दो एक्स्ट्रा कन्वर्टर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक कन्वर्टर है यूँ समझो, और यहाँ पे ये कन्वर्टर है। ये इलेक्ट्रिक लोको की बात कर रहा हूँ, हालांकि डीजल लोको में भी ये सुविधा है। तो डीजल लोको में कुछ अलग से अरेंजमेंट होगा जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं इलेक्ट्रिक लोको की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक लोको में दो मशीन रूम है, तो मशीन रूम नंबर 1 में एक कन्वर्टर लगा है, मशीन नंबर 2 में भी एक कन्वर्टर लगा हुआ है। इनको दोनों को जो है सप्लाई यहाँ से आती है, सप्लाई ट्रांसफार्मर से। इसके लिए ऐसे कन्वर्ट जो होटल लोड युक्त लोको हैं, उस ये मतलब मॉडिफिकेशन है, तो उसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो है वो 960 वोल्ट की गई है। 960 वोल्ट कमिंग है, ये ट्रांसफार्मर से आ रही है 960 वोल्ट। और ये जो कन्वर्टर है 500 KVA का कन्वर्टर है, ये भी इसी प्रकार है, 960 वोल्ट और 500 KVA का कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये दो कन्वर्टर लगे हुए हैं। अब दोनों कन्वर्टर एक साथ काम करते हैं, ध्यान रखना। ये कन्वर्टर क्या करते हैं, सिंगल फेज को 3 फेज में करते हैं, और यहाँ पे जा रहा है, देखो ये 3 फेज बना दिया मैंने, और ये जा रहा है, ये लोको का एंड है, वहाँ पे जा रहा है 3 फेज, यहाँ से भी 3 फेज जा रहा है, 1, 2 और 3 3 फेज जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंटर व्हीकल कपलर यानी कि IV कपलर, इंटर व्हीकल कपलर्स के द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ये कपलर कौन जोड़ते हैं, जो इलेक्ट्रिक वाले होते हैं, पावर वाले, पावर कार जो होती है ना, वो स्टाफ ही इसको जोड़ता और खोलता है, पावर कार वाले यानी इलेक्ट्रिकल स्टाफ। यहाँ भी ऐसा ही, IV कपलर। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो कन्वर्टर होता है उसके वहाँ पे एक होटल लोड का अलग से इंडिकेशन भी रहता है, और यही इंडिकेशन पैनल जो कोच होता है वहाँ पे एक पावर कार रहता है, गाड़ी के दोनों तरफ पावर कार रहते हैं, तो पावर कार में इसका पैनल होता है, उस पर भी सारे इंडिकेशन पैनल होते हैं, और वहाँ उसका स्टाफ भी रहता है, वो सब इसका देखरेख करता है। तो हमें इसमें क्या करना है और क्या जानकारी रखना है, ये देखना हमें, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये जो कपलर है कब जोड़े जाते हैं, कब ओपन किए जाते हैं और कैसे ओपन। यहाँ पे बीच में UIC कपलर रहता है, UIC कपलर रहता है। तो ये जो UIC, इसमें कंट्रोल सप्लाई रहती है, इसमें पावर सप्लाई रहती है। इसमें पावर सप्लाई कितने है? 3 फेज 750 वोल्ट। इसमें ये कंट्रोल सप्लाई रहती है, बैटरी की सप्लाई 110 वोल्ट, वो सप्लाई से इंडिकेशन भी जाते हैं इसके इन कन्वर्टरों से ही, तो वो कपलर यहाँ जोड़े जाते हैं कोचों में जाने के लिए। इसके पीछे यहाँ कोच रहते हैं पीछे, तो ये कपलर यूँ करके ऐसा करके कोच में जुड़ जाते हैं, ये कोच में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब ये अधिकतर जो कौन सी गाड़ियाँ राजधानी है, शताब्दी है, या कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में भी अब ये सिस्टम लागू हो गया है, क्योंकि हर एक कोच में एसी चलते हैं, कई कोच रहते हैं आजकल, कोई मेल एक्सप्रेस उसमें 5-5, 6-6 कोच रहते हैं एसी, तो उसमें एसी का लोड बहुत रहता है, तो वो सब आजकल दिया जाता है ऐसे। तो ये आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि एचओजी क्या है। एचओजी का मतलब है हेड ऑन जनरेशन। देखो, कोचों में जो सप्लाई दी जाती है वो तीन तरह से दी जाती है। सबसे पहले एसजी, एसजी का होता है सेल्फ जनरेशन, सेल्फ जनरेशन। उसके बाद में चला था ईओजी, एंड ऑन जनरेशन। एंड ऑन जनरेशन में क्या था कि दोनों ट्रेन के दोनों साइड में पावर कार लगा दिए थे, और पावर कार उसमें डीजल इंजन से बिजली पैदा होती, और वो बिजली जो है वो पूरी गाड़ी को दी जाती, और उसमें हमारे पास में क्या बहुत ही डीजल जो ऑयल है बहुत जलता है, और आप जानते हैं कि डीजल ऑयल की अभी भंडार सीमित है। तो ये फिर आविष्कार किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी से ही इनको सबको सप्लाई दी जाए कोचों में। तो उसके बाद में एचओजी का, यानी कि हेड ऑन जनरेशन, यानी कि ओएचई से जो सप्लाई लेकर हम दे रहे हैं उसको हेड ऑन जनरेशन कहा गया है, और हेड ऑन जनरेशन के द्वारा ये सप्लाई दी जाती है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि कभी जैसे ओएचई की सप्लाई चली गई या किसी खराबी के कारण कन्वर्टर खराब हो गए, वैसे तो दोनों खराब होते हैं तो ही प्रॉब्लम आएगी, अगर एक भी चलेगा तो एक साइड वाला, कोचों के एक साइड वाला इससे सप्लाई चलता है, एक साइड वाला इससे चलता है, तो एक अगर खराब भी हो गया तो दूसरे से सप्लाई चालू रहेगी, अपना काम चलता रहेगा। वैसे तो दोनों रेगुलर काम करते हैं, लेकिन एक खराब हो गया तो भी काम चलेगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कभी दोनों ही खराब हो गए, तो दोनों खराब हो गए, या फिर ओएचई का सप्लाई चला गया तो फिर कोचों में यात्री बैठे हुए हैं तो वहाँ तो ऐसी बंद हो जाएगा, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसके लिए पावर कार भी रहता है स्टैंड बाई में। तो जब ऐसी सिचुएशंस पैदा होती है रेयर केस में, तो फिर पावर कार को भी चालू कर दिया जाता है, और वो कहलाता है ईओजी, एंड ऑन जनरेशन, उससे फिर वो सप्लाई को चालू रखते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की गई है। तो इसमें हमारे लिए क्या निर्देश है, उन निर्देशों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। इसमें जो कोचिंग स्टाफ रहता है, यानी इलेक्ट्रिकल स्टाफ है या इलेक्ट्रिकल एस्कॉर्टिंग स्टाफ कह सकते हैं उसको, पावर कार यहाँ पे जो रहती है, पावर कार रहती है सबसे पहले, पावर कार और लोको के बीच जो आईवी, ये आईवी कपलर है और ये जो यूआईसी कपलर है, उसको जोड़ने की और तोड़ने की, खोलने की जो जवाबदारी है उस एस्कॉर्टिंग स्टाफ की ही है। वो क्या करेगा, जब लोको जुड़ता है तो वो आएगा लोको पायलट के पास और उनको बोलेगा कि हमको ये जोड़ना है, तब लोको पायलट वीसीबी ओपन कर देगा। वीसीबी ओपन करना है, ये बहुत ज़रूरी आइटम है, क्योंकि 750 वोल्ट की थ्री फेज की सप्लाई है यहाँ पे, इसलिए लोगों पर वीसीबी ओपन करेगा और फिर बोलेगा कि हाँ मैंने वीसीबी ओपन कर दिया है, तब ये लोग इसको कोच के साथ, यानी कि पावर कार के साथ इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पे जब ये जोड़ देंगे सबको, अच्छी तरह इसकी लॉक वॉक रहते हैं टाइट कर देंगे, तब वो फिर वापस लोको पायलट के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे हमारा काम हो गया है, तब लोको पायलट फिर से वीसीबी ओपन क्लोज करेंगे। क्लोज करके यहाँ पे एक BLHO स्विच होता है, यानी कि लीवर बटन लीवर स्विच फॉर होटल लोड के लिए। तो इस स्विच को, वो स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है, दबा के छोड़ देंगे और वहाँ पे एक LSHO लैम्प प्रकाशित होगा। जब ये लैम्प प्रकाशित हो जाएगा तो ये सप्लाई थ्री फेज की 750 वोल्ट की गई पीछे, वो लैम्प ये बताएगा, LSHO लैम्प BLHO को प्रेस करने पर ये प्रकाशित होगा, बताएगा कि 750 वोल्ट यानी कि होटल लोड की सप्लाई गई पीछे, ये उसको कंफर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखती है तो फिर वही एस्कॉर्टिंग स्टाफ से भी मदद लेगा और वो भी उनके पावर कार में चेक करेंगे। बाकी बाद में जो अलग से ट्रबल शूटिंग, फिर इसकी MCB को भी चेक किया जाएगा, होटल लोड की जो MCB होती है उसको भी चेक किया जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मल ऑपरेशन में इस प्रकार किया जाएगा। अब गाड़ी जब स्टार्ट करना है तो जब ये स्टाफ इधर आया है तो स्टाफ का भी CUG नंबर लोको पायलट और लोको पायलट का CUG नंबर स्टाफ एक दूसरे के साथ में लिख लेंगे कि भाई इनका नंबर ये है। और अब क्या होता है कि क्रू चेंज हो जाता है, लोको पायलट चेंज, तो लोको पायलट क्या करेगा, वो जो जो एस्कॉर्टिंग स्टाफ है उसका CUG नंबर अपने लॉग बुक में लिख देना है। तो लॉग बुक में लिख देना है तो आगे वाला कोई लोको पायलट आएगा तो उसको भी नंबर अपने आप मिल जाएंगे, नहीं तो फिर वो कोई प्रॉब्लम होगी तो कैसे संपर्क करेगा। अब क्या VCB ट्रिप हो गया किसी कारण से, सपोज करो हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो गया, या न्यूट्रल सेक्शन के बाद VCB जब क्लोज करेंगे वापस दोबारा, तो भी LSHO लैम्प का प्रकाशित होना
चेक करना है। अगर ये प्रकाशित नहीं होता है तो फिर से BLHO स्विच को हमको प्रेस करना है, प्रेस करके छोड़ देंगे तो वापस ये प्रकाशित होता है। कभी कभी ऐसा कि ये नहीं प्रकाशित हुआ तो फिर BLHO को दोबारा भी प्रेस करना पड़ सकता है, ये कर लेंगे तो फिर वापस सप्लाई जाना शुरू हो जाएगी। अब कभी ये रास्ते में तकलीफ पड़ी, अरे यार लैंप प्रकाशित हो गया BLHO प्रेस करना है, तो फिर वही एस्कॉर्टिंग स्टाफ जो है उससे हम सहायता लेंगे, उसको सूचना देंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर वो पावर कार को चालू करके भी अपनी सप्लाई को आगे भेज सकता है। ये सप्लाई हमने तो 3 फेज की 750 वोल्ट की आगे बढ़ा दी, लेकिन इसका फिर कोचों में भी अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोचों में फिर उस 750 को 415 बनाया जाता है, फिर 110 वोल्ट एसी भी बनाया जाता है क्योंकि पंखे के लिए अलग से जाता है, एसी के लिए अलग सप्लाई जाती है, लाइटों के लिए अलग जाती है, तो वो सब कोच में अलग अलग कोच में फिर पैनल रहते हैं, उसके हिसाब से वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर करते रहते हैं, हमको ये सावधान रखना है। तो यही थी HOG के बारे में, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके अवश्य बताएँ, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें नहीं किया हो तो, और देखते रहें ध्यान। धन्यवाद।